हेमांकन है पुलिस खोलो यही गहलोत साहब थी मिनिस्टर। मैं गहलोत साहब को सभाओं देखे सुत्या नहीं खड़े करके कहते थे सीएम साहब खड़े हो के बात ही क्या कॉलेज दे बापू से दो भी बस में कॉलेज बोल दो मांगियो करियो ना बेईमान कॉलेज मांग तो मिल तो जब वो बैठे कॉलेज खुला दे मिटा के भी दे गुनिया कॉलेज बाद में फिर कंप्यूटर की फीस मीनारा लगाने लग गया शुक्र नाम लाइफ कॉलेज फीस के नाम की सीएम साहब आ गया अठे मैं इससे भाई को जिला दे सोच रहे हो सीएम साहब बोलिया क्या मैं कहा काम लेता हूँ प्रिय मैं थोड़ा मैंने बोला अच्छा ऐसे भाई में हो गया आप हाँ जी जिला दे सोच रहे हो अच्छा क्या है बाजरा में मैं बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज दे नहीं कितना मिल लेके आएगा तब दूंगा अठे मिला शिवमुख नेहर को शिलान्यास करना आया कोई लोकार्पण करना आया फिर आप फिर मिला बठे हनुमानगढ़ फिर तीसरा जयपुर मिला और इतना मिलने के एक आदम जूंगा मैं कैसा मिलने बन भी आऊंगा। 2001 की बात है 18 साल आ गया आप एमएलए हो गया बाप विश्व सुन सुन के बदला लिया एक कोनी तीन कॉलेज खुलाया एक कोनी तीन कॉलेज खुलाया है अरिम का एमएलए बना दियो नरसिंह कॉलेज और खुलाऊंगा जो क्या एग्रीकल्चर कॉलेज ने यूनिवर्सिटी बना यूनिवर्सिटी जिन में जो क्या है घोषणा करी कि थाने बड़ो सम्मान देश असंभव करो मामला कहीं शो के देखो मैं दूंगा जो बताऊंगा मैं मैंने मचकावा मैं खातर साइंस खातर साइंस पीवा मैं ना बड़ो जड़ो बोलियो आशु था एग्रीकल्चर कॉलेज 7-8 करोड़ की लागत से बन रहा है तुम्हारे बच्चे एग्रीकल्चर बीज दुनिया में जब तक बीज फूटेगा दुनिया में जब तक बीज फूटेगा उसको कृषि कहा जाएगा और कृषि के लिए कृषि साइंस की जरूरत है एग्रीकल्चर की उतनी जरूरत है जितनी मेडिसिन की जरूरत है मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। जब तक दुनिया में साधन होंगे साधन खराब भी होंगे तो मैकेनिक की जरूरत होगी मैकेनिक बनने के लिए आईटीआई कॉलेज की जरूरत है और सिकरौली में 10.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है बाबूजी देव के आ रहा चेक करके आ रहा है एक बार क्या पिद्दी क्या पिद्दी का शोरबा के इसकी औकात क्या है मुझसे ज्यादा औकात कुछ ही तो मैंने छाप दी पुस्तक तुम्हें कायदा छाप के दिखा दे तुम 10 साल एमएलए रहे एक कायदा छाप के दिखा दो हमने तो पुस्तिका छाप दी पूरी सीरीज और मैं तो बाबू जी की इतनी खुली करूं एक दो पेज जुट्ठा ही छाप दी मेरे को नहीं एतराज करा सबको तो नहीं ठीक है कानून व्यवस्था खराब रही है बाबू जी भूल गए तो पप्पू मिस्त्री को सरेआम गोली मार के चले गए बदमाश मुफ्ती चौक से सरेआम 1.25 करोड़ रुपए गाड़ी से लूट के ले गए लोग और जिन बदमाशों ने हरियाणा के बदमाशों ने कत्ल करे उनके घर तुम खाना खाते हो और मेरी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हो। सुरपुरा में एक जमीन है 30 साल पहले गांव के लोगों ने लाल सिंह जी और ज्ञान जी के जमाने में गांव के लोगों ने ले ली थी उस जमीन को हड़पने के लिए कुछ लोग आए मेरे से संपर्क करा कि हमने एक जमीन खरीद ली मैं कह भाई जी इन तो लोग बसे क्या ऑनलाइन है मैं सोतो कर लियो मैं कह भाई जी रेल के गला कट देखे रहेगी अरे थे सारा दिमाग में नहीं हो रेल तकबीर के लसा तो देखिए अड्डो कट्टो मैं दर्जे बताइया क्या कहता ना सही करे मैं दर्जे काटे से अरे ये मार के काटो मैं रेल के नीचे गला काटो देखे रहे जी हाँ मैं तो अड्डो ही काटो सारी बात पर अरे मुर्गे पर मैं जो सूत पर कहा ला रहे राजा बलवान जी बेंगे तो क्या बिना काम की आऊं माऊं करे बेटा डोल की कोई नहीं
अच्छा दादा हमारा मान किला नरेंद्र बेटा चौधरी हो गया। छोटा मोटा बोलिया में भी है भाई, मैंने भी 4 बीघा जमीन है केवला का। एमएलए आपकी जमीन बटा ले, लोगों की बचा के दिखाओ नहीं, मैं बचाई है। एक कुर्की को निकलती पूरी पूरी 5 साल में एक कुर्की कई किसान की, केसीसी चाहे बिम्मू आयो ना आयो, चाहे अगले की रिन्यूअल हुई नहीं हुई, पूरी 5 साल में कई किसान की कुर्की को निकलती केसीसी आएगी। एक है बलवान पूरी होंगी औकात के, मेरी औकात है कुर्की दुकान की खड़ी होनी। अरे टीम जमीन नीलाम हो जाए करती और कुर्की का नोटिस 500-500 खड़े रहे करता। कह विधानसभा में प्रश्न ज्यादा लगा दिया, कोई भी हरियाणा प्रश्न ढोल में जागे बहु लाग जाए, बोलना क्यों को नहीं गुंगा आगे थे ही बोलने लगा थे ही बोलो। अच्छा पैरू राम रूमी कह करता है, पैरू राम रूमी रस्सी डर गई बढ़ नहीं गया, अभी राम रूम सारा दिन पैर ही है मेरा बैठा, लोगों का फिर पैर दिखावा फिर बोलो क्या बकरियो मेरा बकरो उनका जाप तो जगो ऐ जो पैरू राम रूमी करे ऐ चोक मांगे नाश नगर देना नाश ये करे बात भाई। आप तो कोशिश आ करी जनता के मुद्दे पर इस काम करा, दलित पीड़ित ओबीसी अल्पसंख्यक किसान मजदूर छात्र नौजवान महिलाएं बच्चे सबके लिए, आदिवासी सबके लिए राजस्थान की विधानसभा में आवाज बढ़ने का काम आपके इस बलवान ने करा। अगर मेरी आवाज पसंद है, अगर आपको मेरा बेबाक बोलना पसंद है तो आइए 22 तारीख को रैली में और 25 तारीख को दांतीय थोड़ा सितारा का बटन दबाइए। दोस्तों मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि चुनाव बाजरा की राजनीति तय करेगा। एक सरपंच साहब परेशान हो गए, 5 साल विधायकी के मजे लिए, 4 साल उन्होंने उनके कहने से सेक्रेटरी रहे, उनके कहने से एलडीसी रहे, उनके कहने से गांव में पटवारी रहे, बस उनको तकलीफ एक ही है कि सिद्ध किया मिले लोगों मेल आवाज तो मिलना चाहिए। भाई जी फोन है काटी रोक दो, जे मैं फोन ना चुकू या बलवान पकड़ियो फोन ना चुके, जेपी डाको फोन ना चुके और न्यू सोते सरपंच को फोन आऊ उधर फोन करागा तो भाई जी अगले को छप्पो छिप गया, 5,000 को चलान कट गया। मैं कह नहीं डिकू अगले को फोन आया हेलो विजय जी बोलो गे या बोलो विजय जी रोक रखे हुए करची राजने लिया बात करा दे। हाँ भाई तबर अपनो ही है जान दे वो कह जी ओ कौन करा क्यों कौन करा क्यों, हाँ वही तो शहण हुआ तो तू मैंने फोन कैम करा रहे मैं कर दू बंदी जान दे अपने डबरे हैं ठीक है जिस बीका देर के पकड़ रखे छोरे टिंगर की मारी थी वोट लोग लगे तो भाई बने ले मैंने कहा काका आप रोग रखे है फिर तुम सोच रहा था कौन आ गया भाई कह बोले हाँ भाई ये मैंने रोग रखे है वो दर समझ गयो भी वो निजी आदमी है तो कॉपरेट है दिया बोले है वो बोले ले हमने करा बात है फिर मुझे एक बार मन कर बोले साइड में लगा दे गड्डी को साइड में करके बोले तू तेरे कोई चला फोन करो पर के सोचा जिनके चले थी बिड़के यार इतना खिलाए मैं लोगों ने 5 साल गोदिया में ले लेंगे गोदिया में ले लेंगे खिलाए लोग पूरे राजस्थान में पूरे देश में कोरोना में थक गए मेरी अंग्रेजी टूटी फूटी कोरोना में जगह 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 चेन्नई के डीएम से बात करी मैंने मेरे गांव के रिश्तेदार रहते हैं वहां मैंने बात करी किस फैमिली को रवाना करवाइए आप यहां से हाथों हाथ का गिरफ्तार करवा के रवाना करवा मैंने पूरे हिंदुस्तान में बात करी कोरोना के समय पूरे हिंदुस्तान में मेरे अधिकारियों से नंबर ले लेके कठे टूटी फूटी अंग्रेजी कठे हिंदी कठे बागड़ी में कठे मारवाड़ी में जे एंड के में पंडित फंसा हुआ था दुनाना का उसके साथ 11 लोग और थे 3 स्टेटों के पंडित जी का फोन आया मेरे पास दूसरे दिन कि विधायक जी भूखा मर गया कठे कहे तहसील में अठे सियोर जे एंड के में हूं
पंडित जी कहा 2 किलोमीटर ऊंचो चढ़ियों तू रह जाइए भूखो रो मैं तू फोन काट वो नंबर तू ऑन रखी बस तू समझ माल आ गए डर गया भाई जी जिप्सी भर गए सामान पुवायो जिप्सी भर गए तहसीलदार सामान दे गए तो पंडितों प्रोग्राम कर रहे हो एक दिन तो मैंने फेसबुक पर पोस्ट करी ब्याह को कार्ड दे के गए मैंने घरे ब्याह हो बोले भाई जी याद है गे मैं बता कहते मेरे कने एक जिप्सी भर गए राशन भेजो 3 स्टेटा याद नहीं यार 4 दिन मरो रस्तों खाली हो गया कोरोना में 5वें दिन में रवाना होया भाई जी ने भूखा मर जनता में अरे मैंने मदद करी है लोगों की रोटियां लिया बैठे लोकेशन कौन की चीजा भाई जिन लोग लोग चांद पर बैठते कोई भी लोग कोई लखन बोले आज जब हो जाओगे बलवान पुनिया नारायण खातर 20 साल लगाना पड़ेगा कहीं 20 साल आज चल गई ना बात मैं जीत के दिन आयो थर चौक में धन्यवाद कहना बह दिन कहो बलवान बनने के लिए 20 साल लगाने पड़ेंगे मैं चलते रहूंगा इतने मैं जम्मे हुई 47 साल को जाट कर रहे हो 47 और 20 और जोड़ते हो 67 को धोरे हूं मैं स्वयं 20-30 साल होगी कभी सोना एकदम लंबा ही धोना चाहिए दोस्तों सब प्रबंध करते हैं इस बात का भी साहब एमएलए बन गए अगले चुनाव का प्रबंध करें पीजीओ का प्रबंध करें मैंने भी कराया प्रबंध किसानों के लिए किसान भवन जाति धर्म से ऊपर उठ करके किसान की बात करेगा वो किसान भवन में आएगा जिंदगी भर मैं रहूं ना रहूं किसान भवन खड़ा कर दिया पिछले 4.5 साल में मुझे जिस आदमी ने सम्मान से माला डाली चांदी का मुकुट पहनाया सोने की मुट्ठी भी 4 आई एक सोनू को दी 3 किसान भवन में चांदी के सारे मुकुट किसान भवन में 4 साल में जितने रुपए आए दफ्तर का खर्चा काट के किसान भवन में 1 करोड़ का भवन खड़ा हुआ अभी एक आदमी गए अच्छा से तो 5 दिन पहले 6 दिन पहले गए बाहर सोचो गए भाई जी अर्जी पकड़े काम है और मैं रुक जा काटो मिली आऊ मिली आयो मिल गया कि पुट्ठो आयो कल लोगड़ा सा कब जाएंगे एक लोग बात करी के बात कब भाई जी ईटड़ी तो बदला आ रहे कुर्सी मैं तो किसी थे क्या खोरिया बूढ़िए गए लगाए डाए अच्छा है ठीक रहे ना लगा दी अंगली मैं बस ही बुलाए मैं सुनीता ने बुलाई जयपुर ले लो ये जाके विधानसभा बात करते बोलो ये रंगू है जी विधानसभा निमका जी दिखा दूंगा मैं बाहर कर खिलाई बात दस एक बीघा में बाहर कर गेड़ो काटे और ऊपर दिखे 4 मंजिली दुनिया यहाँ कहना पढ़ने हो जा मैं को गोरू देख ली मैं तो आप घरे ईशो बनास कहा क्या कोई बनास कहा तो मैं एम तो लोग बाहर दिए बड्डो बनाओ तो ठीक है नहीं तो मेरे बापू वाला की लिपाई कर लियो अब सब कोरोना आ गई तो सारा सामने असंबल हो गए आंगने बैठ मैच पर बैठ रोटी खाया करता जब बदलाया करता मुखियों किशोर जो चुके मरे लिपा चोपी कर बढ़िया जो चुके छोड़ा मारो छोटे कभी 20-30 साल हाल को नहीं हो रहे कोई चंदी फिल्म जो सुनी बापा भाई जी कॉलेज बनाए घर कौन बनाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड्डो करे खुद को घर बड्डो बन गए कई बजे रहे 9 बजे में हो रहे मेरे 12 बजे पुगा दिन के 6 बजे पुठा चाल पड़ांगा अरे 2.5 फुट जगह चाहिए छोड़ने एक ए, 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 बात हूं काम करे 23 साल हो गया लग गया बात हूं काम करे मैं के मैं थाना रही जाएंगे थरू आना कि मैं मारे टिड्डी बढ़ गई अच्छा टिड्डी मैं मंत्री ने कह गया हो भाई जी मैं गलती हूं टिड्डी बाजरा बढ़ गई बढ़ तो गई पुटी उड़न बन गया राजपुरा में गोटा मेरी छात में अमरपुरा जीतपुरा की रोई में 250-300 ट्रैक्टर ला गया टिड्डी रगड़ दी मैं पुठो जयपुर चले गयो बलवान ने कहे मुझे दुआई लिया
ओ मेरो पनि कुर्सी दुवाई ल्यायो लेम्डा लाम्डा घाँस काटीमा हो राजे जुत्या लोगान पकड़ा बोले लैट पकड़ लेम्डा कोई फिड़कू नहीं दिखे बैगरी ये रहे दो दिन बाद फोन क्या भाई जी फाको लिख रहे कठे कारवास की रोइन बिर्मिंग हीरोइन गलर की रोइन मैं को दी दूंगी खाई थक्कन हो गई 25 तारीख में बटनियों दाब दियो फाको से बाहर निकले रगड़ दो वो गला मारी आप चीती वो फाको लिखना शुरू हो गया फाको रगड़ दे नहीं थाने तहसील में खड़े हो गए लुटेगा एक थानेदार दो लगाओ एक थाने का माल लूटे वो एक बाईपास पर खड़े हुए लूटे वो एक कहेगा फोन से कितनी जेब कीमत है बलवान पुनिया से क्या नहीं सीधा मिले नहीं जेब कीमत है बलवान पुनिया मिले नहीं अरे थाने में सड़क पर दोनों खड़े हो दियो फिर बलवान पुनिया गे क्यों हो बेजे लोका जीत गया थानेदार दो एक सड़क पर लूटने में एक थाने का माल लूटने में आपा मुंह में छिंकी लगा के ले आया सरता बामन फेरा पर गए नहीं छोरी छोरन हाँ बराबर है कि मैं तू न्यू करे तो मैं तेरे बाएं आऊं हर जब छोरी न्यू करे तुम सकी सहेलियों में मेरी बेइज्जती नहीं करो तो मैं तुम्हारे बाएं आऊं और तुम पर निंदा नहीं करो तो मैं तुम्हारे बाएं आऊं मैं कई थानेदार ने लिया तुम्हें ना कहो तो सड़क पर न खड़े हुए तो तेरी अभिशंसा करूं पूरी 5 साल है पेट के गांठ लगा के मारे घरे झगड़ो कराई है सुनी मत छोड़ो मारे गांव में व्यापारी वो मांगा मारे भाई किया एमएलए बने ने मिलना हो गया 8 लोग वो बोले भैया हिसाब करो दाना आया थोड़ा राजेश लगे हो क्या सर्दी खेती गई थक वो बोले हिसाब करो बापू बोले त्यागना बोली थर की कमी है 3 लाख रुपया महीने का तो तनख्वाह ना का आवे क्या गा कैसे जी वर्ड छोड़ो यहाँ कहो कि 3 लाख रुपया तो 1-1 लाख रुपया मिलना तो ईमानदारी का ही दे थड़ो एमएलए अरे कुत्या भोगने का मो तेरे लिए गड्डी नहीं पकड़वा दूंगा तू तो सामान गाल के जाए नहीं एनी बेर अड्डे रुकवा दूंगा बावड़ा अरे लाल तो तुम्हें घिसो मैं तुम कागज पढ़ाना तो है कागज तेरे को लूट लेगा पुटा है क्यों धंधा लगाओ तू उड़ा मैं नौकर घर आती है फोन ही करूंगा धंधा यार तामेडिया बाप की सोहड़ी बात बताओ सर बड़ा भी कौन बताऊ मैं कहीं नहीं आया तो मैं 3 लाख रुपया महीना का लियो तो फिर एस पी यू के हाँ भाई जी होली एक ला खेलो आओ कविता सस्पेंड क्या नहीं हुई बा प्रीति होती एस पी बा कविता बारी बारी कहती राम रमी कहने को नहीं आवे राम रमी कहने को नहीं आवे मैं मन कविता बोली गई बा मैंने एस पी यू कह राम रमी कहने को नहीं तुम यू कहते सगी लगेगी तुम मैं गलती से काट के सस्पेंड कर दी सस्पेंड जब तक कविता बाल को नहीं बाजरा खड़े शिया ही को ना गयो जब तुम बलवान को नहीं मजबूत आ दी दो बिना सताई दिन खाड़ो होलदार सिपाही एएसआई सब इंस्पेक्टर चलायो शिया ही कोला दिन में मुकबल कविता बाल करो कहेंगे अपराध हो गयो मुकदमो दर्ज हो गयो बात खत्म मुकदमे में कार्रवाई होगी तो तार क्या निकली तार नहीं बात खतर करी कब बंदी को दे करती अच्छा ले कौन दे अब हाथ में डीजल कहीं जा रही है मेरे को राम रमी करने बुला थी कि वो सगी लगे क्या एस पे जब से फिर काम फिर इतना बैठन ना गया बोले बंद जो काम ऐसा पंगा ना जो एक तो डक्कन छोटे दिन में छोड़ दिया बात तो सी है बड़ा बात घनी लाग रही है इन लड़ने बोकता ही तेरे आंगड़ी लगा मेरे को बोला चढ़ मेरे को बोली कौन बोलता है बोला शान चिंगरा दे कहते ने न्यू कौन बनाया तने न्यू कौन बनाया अरे भाई जी बढ़िया ही कटा सोचते सावरे बढ़ाओ ना सब ने बढ़ाओ सब ने जताओ पर भाई जी पहले तहसील तो जताओ तहसील तो जताओ इन खाको सो भी गिड़ेड़ हो बूढ़िया तगारी गेर के सिर पर फिर स्कूल खोलिया बेईमान 118 बंद करया मेरे नो ही खुले वो जियो इतवाई जेडे मैंने मेले बनाना पड़ा वो थाने जब मैं पुट्ठा खोले मेरे दादू मास्टर चौधरी
दौलतराम पुनिया मेरे याद को नियम में ढाई साल को दुनिया चलिया गया है। जब मैं कर्णपुर बलवान वाला गांव में गीत की पचार ली सागड़े जसाने मैं गाने कर्मशाने इतना गांव तो मेरे याद है। लोग बतावे बड़े में मास्टर स्कूल झोपड़ा के नीचे चलायो खेलड़ा के नीचे चलायो ढीलगी मांगा पटेड़ा बहुत सारा लोग मेरे सिर पर हाथ करके मैंने वोट दिया कि तेरे दादा कहने पटेड़ा कर्णप्रेम एक कोठे में स्कूल चला गए। आज साथी बलवान पगड़ी धन्यवाद है वह स्कूल गए एंड रंगत लगा दी जिसको तिरंगो ऊंचो खड़े पूरे बादरा को तो बेईमान माने नालायक बता रहे के नालायक हाथ में तस्वीर दे दी भाई काऊ ने दादे भाई बाप खेता राम जी मांगे दादे स्वर्गीय खेता राम जी 5 बीघा स्कूल में जमीन दान करी बस जमीन दबे बैठे बाद देखो ने लूं कोर माने ला लाए बता अरे मुकुरिया है थोड़ी बहुत शर्म कोई बेच के खा गया। अभी 25 दिन है बाबूजी जी तो मुंह खोलो इतना उत्तर दूंगा तेरे जी मां भाई गाल दी मेरे घरे शिवे ही गाल दी जी किड्डी गाल दी जी किड्डी गाल दी जी पिट्टी गाल दी जे धनु गाल दी तूड़ी है मेरे साले कोठे में बैठ तो पूरी सुनाओ तो की तूड़ी छड़वाऊंगा मैं आवाज मारे सुनता क्यों।